गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 13 अगस्त 2021, वर्ग प्रथम, विषय हिंदी, अध्याय 13। अध्याय का नाम है दूसरों की सहायता करो। यह कहानी है बच्चों, और इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलेगी कि हमें जो है असहाय वृद्ध स्त्री पुरुषों की सहायता करना चाहिए। अभी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग भी, आप लोगों को भी दया का भाव होना चाहिए। निसहाय असहाय लोगों को आप लोग सहायता कीजिए, तो ये कहानी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। यह कहानी आप लोगों को, आप लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो सुनिए कहानी, दूसरों की सहायता करो। सबसे पहले आप लोग ब्लैक बोर्ड्स पर हम शब्दार्थ लिख दिए हैं, इस शब्दार्थ को लिख लीजिए। पेज नंबर किताब 54 निकालिए, उसमें दिया हुआ है शब्दार्थ, किताब में भी है और किताब से भी आप लिख सकते हैं। जैसे स्त्री मतलब क्या होता है, औरत को कहते स्त्री है ना, जानते हैं बच्चे, आपको समझाना पड़ेगा। मदद माने क्या होता है, सहायता करना। अवश्य मतलब क्या होता है, जरूर। आदर मतलब क्या होता है, इज्जत। व्यर्थ मतलब बेकार। बैर माने दुश्मन। ऊंचे चढ़ना मतलब उन्नति करना। तो ये सब है बच्चों, आपका शब्दार्थ भी है, शब्दार्थ लिखना मत भूलिए, क्योंकि शब्दार्थ जब नहीं लिखिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए शब्दार्थ लिख लीजिए और फेयर भी कीजिए। तो दूसरों की सहायता करो, यह कहानी है, आप सुनिए। एक नगर में एक दयालु लड़का रहता था। समझते जाइएगा आप लोग, फिर बीच में हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। उसका नाम डेविड था। उसका क्या नाम था, डेविड। वह रोज सवेरे स्कूल जाता था। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने देखा एक बूढ़ी स्त्री सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। आप वृद्ध माता को देखे होंगे, आपके घर में दादी है ना, तो वह जो है एक बूढ़ी स्त्री जो है सड़क पार कर रही थी, कोशिश कर रही थी है ना, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वह कुछ कर नहीं पाती थी। सड़क पर बसें चलती है, मोटरें चलती है और दूसरी गाड़ियां आती जाती रहती है ना, यह तो आप जानते ही होंगे। बुढ़िया जो है बेचारी जो थी, वह माता, बूढ़ी माता, बूढ़ी स्त्री है ना, अपने पास से आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रही थी कि मुझे सहायता करो, मुझे उस पार कर दो है ना। आप लोग भी रोड पर जाते होंगे तो कभी देखे होंगे निसहाय लोग, वृद्ध माता ऐसा होता है, उस पार जाने में खड़ी रहती है ना। तो आप लोगों क्या धर्म है कि पार कर दें है ना। गाड़ी आती है तो हाथ जो है करके, हाथ ऊपर करके गाड़ी को रोक, मैंने वृद्ध माता को, कोई निसहाय लोग हैं तो उसको पार कर दें, यही यह कर्तव्य होना चाहिए। तो अभी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग नहीं, आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ऐसा कीजिएगा है ना। बुढ़िया जो है लोगों से जो है, वह जो आपकी वृद्ध माता थी, वह मदद मांग रही थी कि मुझे जो है उस पार कर दो। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते थे, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तब दयालु डेविड जो है उस स्त्री के पास पहुंचा। कौन पहुंचा उस स्त्री के पास, आप चित्र को देखिए किताब में, डेविड है, एक लड़का है, वह पोशाक पहने हुए है ना, स्कूल का पोशाक है उसका पहने हुए देख लीजिए। अब वृद्ध माता को जो है हाथ पकड़ करके जो है रोड पार कर रहा है ना, उसको हाथ, उसका हाथ पकड़ कर बोला, आओ दादी जी, मैं आपको सड़क पार करा दूं। वृद्ध माता यह सुनकर खुश हो गई,
उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। देखो बच्चों, यदि आप अच्छा काम कीजिएगा तो लोग आपकी सराहना करेंगे, यह निश्चित है। अच्छा काम का अच्छा नतीजा होता है और बुरा काम का बुरा नतीजा होता है ना? इसलिए मैं बहुत देर से मदद मांग रही हूं पर कोई मेरी बात नहीं सुनता, तुम मुझे उस पार पहुंचा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यह बुरी दादी बोली थी लोगों से, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन डेविड जो लड़का था, छात्र था, वह दादी की बात सुन लिया और उसको हाथ पकड़कर सड़क पार कर लिया। तो ऐसा ही होना चाहिए बच्चों। डेविड ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाड़ियों से बचाता हुआ उस बूढ़ी स्त्री को दूसरी ओर ले चला। सड़क पार करके बुढ़िया बहुत खुश हुई, है ना? वृद्ध माता बहुत खुश हुई, बहुत आशीर्वाद दी। डेविड के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा भगवान तुम्हारी लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो, एक दिन तुम अवश्य बड़ा आदमी बनेगा, है ना? इस प्रकार से बच्चों वह वृद्ध माता जो है आशीर्वाद दी। और वह कौन थे जानते हैं आप लोग? कौन बच्चा था? बच्चा का नाम था विवेकानंद। इस प्रकार से आप लोग जो है इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता करना चाहिए। दूसरों को सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है, है ना? दया भाव रखना चाहिए, है ना? आप लोग देखते ही होंगे कि बहुत से लोग निसहाय लोग होते हैं, तो उनका जो है हमेशा मदद कीजिए। और इस कहानी को आप लोग समझ ही गए होंगे बच्चों। आप लोगों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।